सुप्रभात बच्चों। बच्चों अभी तक आपने पाठ 6 से कविता पढ़ी और उसका अभ्यास कार्य भी हो गया। दो वीडियो आपके पास पहुंच चुकी होंगी तथा अब ये तीसरी वीडियो में हमारे वर्कबुक का सारा काम है, जिसमें कि आपको पढ़ना भी है और वर्कबुक भी भरनी है तथा इसमें से कुछ चीज़ें आपको नोटबुक में भी लिखना है। तो कविता की अगली पंक्तियाँ लिखो, उसमें क्या लिखा है ये मैंने आपको भर के नहीं दिया है क्योंकि आपके पास किताब है और आपको याद करके खुद ही इसके अंदर भरना है और मिस्टेक मत करना लिखने में, मात्राओं का ध्यान रखना। तो पानी सचमुच खूब पड़ेगा, क्या है इसमें दिया गया, पानी सचमुच खूब पड़ेगा। तो आगे क्या भरेंगे, लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी भरेगा। ये लाकर घर में नदी भरेगा फिर है ना उसमें, ऐसे में तुम भी लहराओ भैया मेरे जल्दी आओ। ठीक है, तो ये क्या दिया है, पानी सचमुच खूब पड़ेगा। ये जो लाइन दी गई है उसके बाद की जो लाइन है वो आपको इसके अंदर लिखनी है, लाकर घर में नदी भरेगा, उसके बाद की लाइन खुद आपको लिखना है। कविता की अगली पंक्तियाँ लिखो, ये लिखा गया ना इसमें। अब है भैया मेरे जल्दी आओ, अब है छप 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 कर कूड़े से अड़ती बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती सबकी आंखों चढ़ती गढ़ती, नाव तेरा मुझको हर जाओ। क्या है उसमें, क्या आएगा, भैया मेरे जल्दी आओ, क्या कहते मेरे क्या बस का। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसकी जो नेक्स्ट लाइन है वो बोलनी है। ठीक है, तो आगे अब वर्कबुक का ये जो शब्दों के उनके अर्थों को मिलाओ, तो इसमें तो अर्थ मिलाने के लिए है, तो जो इनके शब्द और अर्थ भी इसी में दिए गए हैं, जो आपको अर्थ सही लग रहा है वो आपको मिलाना है। तो धरेगा, धरेगा के क्या अर्थ लिखा है इसमें, रखेगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको इसमें से शब्दों के अर्थ ढूंढने हैं तथा वो मिलाने हैं अपनी वर्कबुक में। इसमें से देख देख के आप अपनी वर्कबुक में क्या शब्द हैं, अगर मिलते जुलते शब्द हैं, आपको अगर कुछ नया लगता है कुछ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन सही तरीके से आप लिखें, ऐसा नहीं कि जो मैंने लिखा है वही सही है। ठीक है, अब है मिलते जुलते शब्द, जैसे छाया का, माया, काया, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, माया और काया, पड़ेगा का लड़ेगा चढ़ेगा। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, टटोलो का बटोलो लिख दिया मैंने, मोटोलो लिख दिया। ठीक है, चमकीला का दमकीला भड़कीला, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अर्थी का भी आप आगे लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे छोड़ा भी है कि आप खुद भी काम कर सकते हैं। कविता के आधार पर पंक्तियाँ जोड़ो और नीचे दी गई जगह पर लिखो। अब ये पे कविता को पहले हम मिलान कर दिया, हमने मिला दिया कविता को कि कौन सी कविता कहाँ पर फिट हो रही है। जैसे घिर घिर कर बादल छाया है, पानी सचमुच खूब पड़ेगा, कैंची चुटकी हाथ चलाओ, नाव तेरा मुझको हर्षाओ, खोट सभी है बस आलस का। तो इस तरह से हमने नीचे जो लाइन्स दी गई हैं, अभी मैंने एक ही लाइन लिखी है यहाँ पर, तो जो लाइन दी गई है उसमें आपको ये भरना है। तो मैंने सबसे पहले क्या लिखी, एक लाइन आपको एग्जाम्पल के लिए दी है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है आपको, घिर घिर कर बादल छाया है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, घिर घिर कर बादल छाया है, सिर्फ मैंने एक लाइन लिखी, बाकी यहाँ पर जो लाइनें बची हैं ख ग घ घ, ये लाइन आपको यहाँ पर मैंने मैच कर रखा है, तो आपको यहाँ से ये जोड़ जोड़ कर यहाँ लिखना है। ठीक है, अपनी वर्कबुक में आपको सारा काम करना है। अब समानार्थी शब्द भी उनके शब्दों के अर्थ समान जो अर्थ होते हैं। ठीक है, सागर को क्या बोलते हैं, समुद्र भी बोलते हैं, और आगे भी हम लिख सकते हैं, पर्यायवाची भी लिख सकते हैं। ठीक है, पर्यायवाची इसमें शब्द एक शब्द लिखा है तो हमने एक ही लिखा है, तो नदी का सरिता, पानी का नीर, भैया भाई, हर्ष का खुश, तो ये शब्दों के अर्थ हुए। और इन्हीं के आधार पर आपको जो वर्कशीट होगी वो भी दी जाएगी तथा इसको जब आप याद कर लोगे तो वर्कशीट में इस तरह से आप भर लोगे।
कविता के आधार पर लिखो कि ये कैसे हैं। तो कविता के आधार पर लिखो कि कैसे हैं। रस का सागर, ये रस का सागर क्या है, ये इसको विशेषता बता रहा है। इसका सागर की विशेषता क्या है, रस का सागर। ये गुल्लक क्या है, भारी। क्या है गुल्लक, भारी, तो उसके बारे में बता रही है। चमकीला क्या है, कागज, उसकी विशेषता बता रहे हैं। लंबी चौड़ी क्या है, गली। नए नए क्या है, पैसे। तो इस तरह से आपको ये कविता के आधार पर लिखो कि कैसे हैं। ठीक है, कविता में से क्रिया, काम करने वाले शब्द छांटो। तो कविता में बहुत सारे काम करने वाले शब्द आए हैं, तो वो आपने छांटने हैं। तो छांट कर आपने इस तरह से इसमें लिखना है, आना, घिरना, खोलना, गढ़ना, चलाना, पढ़ना, भरना, धरना, लहराना, टटोलना। ठीक है, ये क्या है, क्रिया, इसे क्या कहते हैं, क्रिया शब्द बोलते हैं इनको। अब यहाँ पर है, अपने अध्यापिका और बड़ों की सहायता से पता करो और सात समुद्रों के नाम लिखो। तो उसमें सात समुद्रों के नाम अभी मैंने वीडियो में भी पढ़ाया था आपको, नेक्स्ट पहली वीडियो जो थी, तो उन सात समुद्र के नाम आप वीडियो में से देखकर, अभ्यास कार्य में जो मैंने लिखवाया था उसमें से देखकर आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, अब है यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको वर्कशीट में भी दिए जाएंगे, तो आपने या तो इस तरह से लिखेंगे या आपको सीधे सीधे भी लिखेंगे, बादल अपने साथ क्या लाया है। तो बादल अपने साथ सात समुंदर लेकर आया है, इस तरह से भी लिख सकते हैं या सात समुंदर भी, क्योंकि जब एक वर्ड में आप लिखोगे तो इतना ही बहुत है। नाव किस चीज़ की बनाओगे, तो नाव चमकीले कागज़ से बने, हम किस चीज़ से बनाएंगे, चमकीला कागज़ से। ठीक है, अब सामान लाने के लिए तुम कहाँ जाओगे, सामान लाने के लिए तो हम बाज़ार ही जाएंगे ना, तो बाज़ार जाएंगे। चमकीला कागज़ लाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, गुल्लक से। क्या, किससे लाएंगे हम, गुल्लक से। कौन बूंदों और लहरों से लड़ते हुए भी आगे बढ़ती जाती है, तो कागज़ की नाव बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ती जाती है। लाकर घर में नदी भरेगा, इस पंक्ति का अर्थ समझाइए। तो बारिश की जो तेज़ बहाव है, ऐसा लग रहा है, बारिश और यहाँ पे इसमें मात्रा आ गई, बारिश भी आ गई, ऐसा लग रहा है कि घर में जैसे नदी आ गई हो। ठीक है, अब है यह बस जो दोष है सिर्फ आलस का ही है, कोट सभी है बस आलस का, इस लाइन का अर्थ क्या है, बस यह दोष जो है सिर्फ आलस, अगर आलस ना हो तो कुछ भी काम सरल हो सकता है, अगर हम आलस ना करें तो। इस कविता के कवि कौन है, इस कविता के कवि हैं श्री हरि कृष्ण दास जी। तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ठीक है, अब शब्दों के वाक्यों में प्रयोग करो। एक वाक्य प्रयोग मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से करना है, उसी तरह से आप नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, मुझे गुल्लक में पैसे डालने का बहुत शौक है, तो गुल्लक आया ना इसमें, तो यहाँ पर गुल्लक दिया गया। इस तरह से आपको एक दो तीन चार पाँच, ये खुद बनाने हैं, चार चार वाक्य आपको खुद बनाकर अपनी वर्कबुक में लिखना है। अब आगे चलते हैं हम 11वें क्वेश्चन में। नीचे लिखे शब्दों के विलोम उल्टे शब्द लिखिए, विलोम शब्द मतलब उसके उल्टे। भैया का क्या होगा, बहन होगा। जल्दी का क्या होगा, धीरे होगा। लंबी का क्या होता है, छोटी। ठीक है, विलोम शब्द। हल्की का क्या होता है, भारी। नया का क्या होता है, पुराना। आलस का क्या होता है, फुर्ती। ठीक है, आलसी होता है, फुर्ती होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास कुछ भी आप विलोम शब्द आगे लिख सकते हैं। गुल्लक शब्द में दो बार एक व्यंजन का प्रयोग हुआ है, जैसे कुछ अन्य शब्द बनाकर लिखो। जैसे कि अभी आपने संयुक्त व्यंजन में पढ़ा व्याकरण में, कि जो संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, जहाँ एक आधा व्यंजन और एक पूरा व्यंजन को मिलाकर बनता है, उसे क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन बनता है। तो ये म, आधा म और मा, ठीक है, ब्रह्मत, ये क्या हुआ, ये क्या है, व्यंजन बन रहे हैं। ठीक है, तो ये तो, छत्ता, पत्ता, गन्ना, पन्ना, मक्का, पक्का, तो शब्द में दो बार एक ही व्यंजन का प्रयोग हुआ है, तो उसे क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। च, सच्चा, कच्चा, बिल्ली, बुल्ली, गप्पे, चप्पा, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक,
ठीक है, नाव के। अब है सबसे नीचे हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नाव के चित्र में मन चाहे रंग भरो। तो ये आपके पास ये बोर्ड दे दी गई है, इसमें आपका जो मन करे, जैसा मन करे, जिस तरह से आप नाव को बनाना चाहें वो रंग भरना, तथा आउटलाइन का ध्यान रखें कि रंग बाहर ना निकले। अलग अलग इन पे जहाँ ये बोर्ड के ये जा रही हैं ऊपर, अलग अलग तरीके से आप कलर कर सकते हैं तथा इसको सजा सकते हैं। तो अब आपके पास इतने सारे क्वेश्चन हैं, आप अपने तरीके से इसको करोगे तथा नोटबुक में भी कुछ प्रश्न लिखोगे, ठीक है। क्योंकि हमें बुक का कठिन शब्द, शब्दार्थ, वाक्य प्रयोग, कुछ चीज़ तो हमें लिखना ही पड़ेगा नोटबुक में, उसको चेकिंग के लिए, ठीक है। और ये कविता की लाइंस पूरी करो, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इनको करने के बाद आपके पास जो वर्कशीट में जो क्वेश्चन आंसर आएंगे वो भी इसी में से आ सकते हैं, ठीक है। कुछ प्रश्न उत्तर आ जाएंगे, कुछ आपके पास शब्दों के अर्थ लिखो आ जाएंगे, और ये मिलते जुलते शब्द भी आ सकते हैं, ठीक है। तो समानार्थी शब्द भी आ सकते हैं, तो इसमें से आपके पास कम से कम 5-6 प्रश्न आ सकते हैं। तो आप इस वर्कबुक को भी कंप्लीट करोगे इस वीडियो में देख देख के, जो नहीं भरा है उसमें आप खुद देख कर कर लेना। क्योंकि ये जो वाक्य प्रयोग आपको एक मेरे वाक्य प्रयोग से बनाने से नहीं होगा, क्योंकि आपको अलग अलग तरीके से वाक्य में प्रयोग करना आना चाहिए, ठीक है। और इसी तरह से आप जैसे जैसे हमारे लेसन आगे बढ़ते जाएंगे, अब हमें एक चैप्टर की 3-3 वीडियो बनानी होगी, एक उसके हो गया एक्सरसाइज की, एक उसके रीडिंग की, और एक वर्कबुक की। तो एक लेसन में और एक फिर हमारे पास वर्कशीट होगी। इसी तरह से आपको काम करना है, तथा ऐसे नहीं कि हमने वीडियो ठीक से नहीं देखनी है और सिर्फ वर्कशीट ही देख कर अपने काम किया होगा, नहीं। आपको समझने के लिए सबसे पहले वीडियो भी देखनी होगी, फिर अभ्यास कार्य भी करना होगा, और फिर जो ये वर्कबुक का काम है ये भी करना होगा, ठीक है। और अब आपके पास जो ये क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आएंगे वर्कशीट के लिए, वो भी मैं इसी में से आपको दूंगी, ठीक है। इसी तरह से आपको ये लेसन तीनों वीडियो आपके पास जब आ जाएंगी, उसके बाद 3 वीडियो के बाद लास्ट में आपके पास वर्कशीट भी पहुंच जाएगी, तथा आपको अपनी फेयर नोटबुक में भी काम करना है। साइन।